मैं इस महफिल की शुरुआत एक दो लाइन से करना चाहूँगा, क्योंकि जिस वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उसको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, सुने कि छीन कर ले गई वो मेरे सारे सुकून को, छीन कर ले गई वो मेरे सारे सुकून को, कुछ इस कदर दगा दे गई वो 8 जून को। मुझे एक्चुअली 8 जून का शायर भी कहते हैं, मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा शायद। तो 8 जून, दैट वाज सेपरेशन डेट ऑफ माइन। तो दो लाइन से शुरू किया था मैंने। फिर किसी ने पूछा कि 8 जून कौन सी वाली, मतलब इससे पहले भी 8 जून थी, अब आने वाली भी है, उससे पहले भी है। तो मैंने 4 लाइनें लिखी दोस्तों, कि फासले कैसे तेरे बिन हो गए। आवाज़ आ रही ना आप लोग तक? कि फासले कैसे तेरे बिन हो गए, तुझसे बिछड़े 989 दिन हो गए। कि फासले ये कैसे तेरे बिन हो गए, तुझसे बिछड़े 989 दिन हो गए, और सजा कर रखे थे जो ख्वाब मैंने तेरे साथ जीने के, सजा कर रखे थे जो ख्वाब मैंने तेरे साथ जीने के, वो सारे ख्वाब छिन भिन्न हो गए। कि सजा कर रखे थे जो ख्वाब मैंने तेरे साथ जीने के, वो सारे ख्वाब। और सुने दोस्तों, कि वो मेरी है इस ख्याल को अब मैं ओढ़ना चाहता हूँ, वो मेरी है इस ख्याल को अब मैं ओढ़ना चाहता हूँ, जिस जगह पर वो मुझे छोड़ गई है वहीं पर उसको छोड़ना चाहता हूँ, जिस जगह पर वो मुझे छोड़ गई है वहीं पर उसको छोड़ना चाहता हूँ। और अगली लाइन आप सभी लोगों के लिए शायद मुकम्मल हो जाए, ईश्वर से कृपा है मेरी, कि जिस जगह पर वो मुझे छोड़ गई है वहीं पर उसको छोड़ना चाहता हूँ। कि जितने भी दिल टूटे हैं आज तलक मोहब्बत में, जितने भी दिल टूटे हैं आज तलक मोहब्बत में, मेरा बस चले तो मैं सबको जोड़ना चाहता हूँ। कि मेरा बस चले तो मैं सबको जोड़ना चाहता हूँ। और सुने के लोग मुझसे कहते हैं कि अब तू मोहब्बत क्यों नहीं करता, तब मैंने दो लाइन लिखी कि उसके नाम की कोई मिल जाए तो मोहब्बत कर लूँ, उसके नाम की कोई मिल जाए तो मोहब्बत कर लूँ, मैं अपने दिल को फिर से तोड़ना चाहता हूँ। उसके नाम की कोई मिल जाए तो मोहब्बत कर लूँ, मैं अपने दिल को फिर से। अच्छा, आप लोग शायद इस लाइन में मज़ा नहीं आया, मैं फिर से पढ़ता हूँ। कि जितने भी दिल टूटे हैं आज तलक मोहब्बत में, मेरा बस चले तो मैं सबको जोड़ना चाहता हूँ, और उसके नाम की कोई मिल जाए तो मोहब्बत कर लूँ, मैं अपने दिल को फिर से तोड़ना चाहता हूँ। दोस्तों के अच्छा, फिर लोग सवाल बहुत करते हैं मुझसे, लोग बहुत सवाल करते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेजेस में, कि वो कौन थी, पूछते हैं कि वो थी कौन। देखो एक्चुअली क्या होता है, किसी भी लड़की का ना तो नाम ना फेस रिवील नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम का मतलब सोशल का ज़माना है, कोई चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो बट मैं एक अंदाजे से बता सकता हूँ और आप लोग समझ भी जाएंगे, कि एक अनजान से शहर में हम दोनों तनहा थे, एक अनजान से शहर में हम दोनों तनहा थे, उसे मेरी ज़रूरत थी मुझे उसकी ज़रूरत थी, फिर क्या करना था। एक अनजान से शहर में हम दोनों तनहा थे, उसे मेरी ज़रूरत थी मुझे उसकी ज़रूरत थी, फिर क्या करना था, उसे निकाह करना था मुझे विवाह करना था। इस लाइन को ना थोड़ा पकड़ के चलना, तभी आप पूरी शायरी समझ, कि उसे निकाह करना था मुझे विवाह करना था, और मजबूर वो भी थी मजबूर मैं भी था, उसे अपनों से डरना था मुझे अपनों से डरना था, फिर क्या करना। मजबूर वो भी थी, मजबूर मैं भी था, उसे अपनों से डरना था मुझे अपनों से डरना था, फिर क्या करना था, उसे निकाह करना था मुझे विवाह करना था। कि उसे निकाह करना था मुझे विवाह करना था। वो रोज़े को रखती थी मैं उपवास रखता था, वो रोज़े को रखती थी मैं उपवास रखता था, हमें खुश रब को करना था, हमें
खुश रब को करना था फिर क्या डरना था, उसे निकाह करना था मुझे विवाह करना था, उसे निकाह करना था मुझे विवाह करना था। वो सदके में अली के थी, मैं पूजा में बली के था। कि वो सदके में अली के थी, मैं पूजा में बली के था। एक दूजे के बगैर हम दोनों को मरना था, एक दूजे के बगैर हम दोनों को मरना था फिर क्या करना था, उसे उसे मुझे उसे निकाह करना था मुझे विवाह करना था। कि उसे निकाह करना था मुझे विवाह करना था। एक दिन हमने सोचा कि चलो भाग चले, एक दिन हमने सोचा कि चलो भाग चले। अगली लाइन पर आप सभी लोगों की मुझे तवज्जो मिले। एक दिन हमने सोचा कि चलो भाग चले, अब माँ बाप का आदर भी करना था। कि एक दिन हमने सोचा चलो भाग चले, लेकिन माँ बाप का आदर भी करना था फिर क्या डरना था, उसे निकाह करना था मुझे विवाह करना था। और आखिरी लाइन दोस्तों, जो भी कोई इंटर कास्ट रिलेशनशिप होती है तो उसमें ऐसे ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि वो मंदिर भी जाती थी, वो मंदिर भी जाती थी, मैं दरगाह को जाता था। वो मंदिर भी जाती थी, मैं दरगाह को जाता था। उसे खुश मुझको करना था, मुझे खुश उसको करना था, फिर क्या डरना था, उसे निकाह करना था मुझे विवाह करना था।